इस बार समय पर मानसून होने से किसानों के चेहरे पर खुशी दिख रही है। आपको बता दें कि बीते चार दिनों से लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जिस वजह से किसान काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। किसान बताते हैं कि विगत चार सालों से इस तरह का मौसम में परिवर्तन नहीं देखा गया। समय पर बारिश हो जाने से अब की बार किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। पोड़ैयाहाट मुख्य मार्ग शिव कुमार मेडिकल हॉल के समीप सड़क में जल जमाव हो गया है। वहीं जल जमाव होने की वजह से सड़क कीचड़ में तब्दील हो गया है। वहीं आवागमन करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन काफी मौन दिख रही है। गोड्डा पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश के द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। अपराध गोष्ठी समीक्षा क्रम में SDPO, DSP, पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारी मौजूद थे। समीक्षा करते हुए SP ने अवैध उत्खनन, लंबित कार्य, फरार मुजरिम, चोरी छिनतई व जालसाजों पर त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। पोड़ैयाहाट प्रखंड अंतर्गत ओमवार द्रौपद पद्मपुर हरला टीकर गांव में शनिवार को भाजपा के समर्थकों ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा उपलब्ध कराए गए कोरोना महामारी से लड़ने में कारगर होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक अल्प बूस्टर 30 का वितरण किया। साथ ही साथ भाजपा प्रखंड अध्यक्ष W भगत के नेतृत्व में कार्यकर्ता एवं समर्थकों के बीच मोदी आहार का वितरण किया गया। पोड़ैयाहाट में शनिवार को भाजपा के समर्थक प्रखंड अध्यक्ष W भगत, पूर्व प्रत्याशी गजाधर सिंह, संतोष भगत, भाजपा नेत्री आरती पांडे ने हरली टीकर गांव निवासी योगेंद्र बगेव मृतक के परिजनों को राहत सामग्री का वितरण किया। समर्थकों ने परिजनों को संतावना देते हुए कहा कि सरकारी सुविधा का लाभ देने का आश्वासन के साथ साथ सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा व्यक्तिगत मदद किया जाएगा। आज कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम के लिए उपायुक्त महोदया गोड्डा किरण पासी के निर्देशानुसार जिला जनसंपर्क पदाधिकारी गोड्डा विवेक सुमन एवं विभागीय कर्मियों के द्वारा जिले में कोरोना वायरस से संबंधित व्यापक प्रचार प्रसार कराए जा रहे हैं। गोड्डा जिले के पुलिस कप्तान वाईएस रमेश के द्वारा शनिवार को नगर थाने का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में SP ने थाना प्रभारी को निर्देश देते हुए कहा कि रिकॉर्ड संधारण, सरिस्ता के कार्यों का अवलोकन एवं विधि व्यवस्था के कार्यों को लेकर सजग रहने की बात कही। साथ ही कहा कि अपराध व माफियाओं पर रोक लगाने हेतु सजग एवं अलर्ट रहें। कड़े निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर पुलिसकर्मी ड्यूटी पर कोताही करते हैं तो उसे के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। साहिबगंज में SP अनुरंजन कोसपोट्टा ने शनिवार को नगर थाना का औचक निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने उपस्थित पंजी, लाल वारंटी पंजी, अपराधी पंजी सहित अन्य पंजियों का अवलोकन किया। SP ने इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी सहित सभी कर्मियों को ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी करने का निर्देश दिए। पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव, उपायुक्त राजेश्वरी B, पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा, उप विकास आयुक्त डॉक्टर संजय सिंह ने मैट्रिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दुमका जिला के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं को समाहरणालय सभागार में सम्मानित किया। छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। आए दिन सरकारी कर्मचारियों द्वारा घूस ले जाने का मामला सामने आता रहा है। ताजा मामला सरायकेला के चांडिल से सामने आया है, जहां एक शिकायतकर्ता के लिखित शिकायत पर ACB की टीम ने बिजली विभाग के हेड कलर को घूस लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। वर्तमान समय में गोड्डा जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 13 है, जिसको लेकर जिला प्रशासन एहतियात के तमाम तरीके अपना रही है। वहीं कंटेनमेंट जोन में ड्रोन व CCTV कैमरे से की जा रही है निगरानी।